नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी आज गोरखपुर के खोराबार में आयोजित कार्यक्रम में 3,838 करोड़ रुपए की 147 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आज बासंतिक नवरात्र के पावन अवसर पर शहर को नई टाउनशिप योजना और मेडिसिटी को लॉन्च करेंगे। जीडीए यानी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से शहर में नई आवासीय जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर खोराबार टाउनशिप तथा एक परिधि विशेष में उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए मेडिसिटी का प्रोजेक्ट तैयार किया है। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का भी वितरण होगा। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद की आज प्रयागराज के एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। अधिकारियों के मुताबिक ये केस 17 साल पुराना है, जिससे पहले सोमवार दोपहर से ही नैनी जेल में पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है, जबकि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। नैनी केंद्रीय जेल के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वहीं अतीक के बेटे अली को एक अलग बैरक में रखा गया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के मुताबिक 17 साल पुराने अपहरण के एक मामले में आरोपित को 28 मार्च को अदालत में पेश किया जाना है। बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात को आरोपी बनाया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था। अमेठी विकास खंड के अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत कपूरीपुर सचिवालय के विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची एसडीएम, जहां ग्राम प्रधान ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उप जिला अधिकारी मुसाफिर खाना और सविता यादव ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कहा कि सभी को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान कार्य संतोषजनक पाया गया, जिस पर खुशी जाहिर करते हुए एसडीएम ने ग्राम प्रधान की पीठ थपथपाते हुए उन्हें ढेरों बधाई दी है। मैडम आई, सर्वप्रथम हमारे किचन में गई और जहाँ खाना बनता है वहाँ सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित थी और कुछ सवाल भी हमारे रसोइया से की और उनमें बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद कक्षा कक्ष में आई जहाँ हमारे अनिल सर बच्चों को पढ़ा रहे थे और मैं स्वयं कक्षा 1-2 पढ़ा रहा था और बच्चों से बुला के सवाल जो सर पढ़ा रहे थे तो बच्चों से पूछा और काफ़ी संतोषजनक उत्तर मिला बच्चों से और काफ़ी अच्छा लगा उन्हें और बाद में हम लोगों की भूर प्रशंसा भी की। जी, ग्राम पंचायत कपूरीपुर के पूरब गांव में निर्मित ग्राम पंचायत ये सचिवालय जो है उसका निरीक्षण किया गया माननीय एसडीएम साहब द्वारा और उन्होंने देख के वो काफ़ी प्रसन्नित रही और उन्होंने कार्य योजनाएं पढ़ी लोगों के सामने के कार्य जो हैं वो हुए हैं या नहीं। लोगों ने कहा नहीं, सारे कार्य हुए हैं। वो काफ़ी खुश थी ये सब देख के कार्य जो सचिवालय पे हुए हैं और उन्होंने कहा कि यदि अमेठी के सारे ग्राम प्रधान ऐसे ही कार्य करें तो अमेठी की कायाकल्प बदल जाएगी। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिला पंचायत में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जहां 201 वैवाहिक जोड़ों के साथ निभाने का वादा करते हुए जयमाल डाला। सामूहिक विवाह के दौरान वेद मंत्रोच्चार से जहां जिला पंचायत परिसर गूंज रहा था, वहीं बारातियों के लिए ढोल नगाड़े बजवाकर माहौल को खुशनुमा बनाया गया। बता दें कि जिला पंचायत की ओर से सभी बारातियों के लिए जलपान और खाने पीने की व्यवस्था की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह, ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह सहित अन्य की मौजूदगी में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह ने नवविवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि नवविवाहित जोड़ों ने साथ फेरे लेकर एक साथ रहने का जो संकल्प लिया है उसे आजीवन निर्वहन करें। आज यहां सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां 201 जोड़ों की शादी कराई गई है। जिला पंचायत के प्रांगण में आयोजित हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम मौजूद है, यहाँ पर हमारे जिला प्रभारी है, भाजपा के जिला अध्यक्ष, सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपलब्ध है। इसके साथ हमारे जो जनपद का टारगेट है 1900 जोड़ों की शादी का, वो आज कम्प्लीट हो गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। कई अधिकारियों ने भी यहाँ पे
बाराबंकी के सैफपुर गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की पटरी पार करते समय एक वृद्ध की मौत हो गई। बता दें कि मृतक वृद्ध के शरीर पर कई जगहों पर चोट आई है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक को आंख से कम दिखाई देता था और कान से कम सुनाई देता था। इसी कारण सामने से आ रही ट्रेन की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वहीं मौत की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाराबंकी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, जिससे नीचे दबकर एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि घाघरा संजय सेतु पुल के पास तपेसी पहुंचाने वाले ढलान मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली की ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई और ट्रैक्टर में बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नीचे दबे हुए घायल युवकों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर पुष्पेंद्र ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हरदोई के ननिहाल से वापस लौट रहे शाहजहांपुर के एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 44,000 की नकदी और एक मोबाइल छीन कर भाग गए। सूचना जब पड़ी तो लोग दौड़े तो बदमाशों ने ईंट पत्थर चला दिए, जिससे पीड़ित घायल हो गया और उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की लिखित तहरीर कोतवाली में दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने लूट का मामला दर्ज नहीं किया है। स्थानीय लोगों ने दिन दहाड़े लूट की घटना होने से दहशत का माहौल है। फिलहाल तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। लूट की घटना यहाँ पर हुई, क्या नाम, दरियापुर बिट्टू बगिया के आगे। क्या हुआ? बगिया के पास हुआ, हम जा रहे थे अपने घर पे आ रहे थे नानी के यहाँ से, तो वहाँ पर दो चार लड़के थे, तो उन्होंने रोका, उनकी गाड़ी पता नहीं ख़राब थी क्या थी, खराब रोक लिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मुझे तमंचा लगा दिया, मेरी जेब से मोबाइल निकाले और पैसे निकाले और मारा कि पैर सब खराब हो गया मेरा, चोट लग गई और गाड़ी में भी मेरी बहुत। खबर औरैया जिले की कोतवाली विधुना से है, जहां थाना एरवा कटरा के एरवा कुइली से ई रिक्शा पर सवार होकर एक युवक सब्जी खरीदने जा रहा था, तभी विधुना एरवा कटरा मार्ग पर सड़क हादसा का शिकार हो गया। बता दें तेज रफ्तार ई रिक्शा एक डीसीएम से टकरा गई। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं घटना के बाद ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और परिजन घायल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस